काम हो गया। आप अफ़सान, अफ़सान कहाँ जा रहे हो? अब मेरे रास्ते में मत आना, मुझे हर हाल में रमशा को ढूंढना है, क्योंकि इस वक्त मेरा फुप्पो की चालाकियां और मकारियां तो आज तक सिर्फ सुनी ही थी, लेकिन ये तो वाकई में सच की फुप्पो निकली। ऐसी फुप्पो किसी को ना मिले, ऐसी फुप्पो। तो जी फुप्पो ने क्या करा कि अपनी बेटी का घर बसाने के लिए, बेटी में खुद में दम है नहीं, तो फुप्पो ने बेटी का घर बसाने के लिए चलाई एक चाल और किडनैप करवाया रमशा को। अलीजे उसे अपने साथ लेकर गई और नन्ही बन गई कि उसे मत लेके जाओ, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगी। इसके बाद जब किडनैपर्स उसे ले जाते हैं तो अलीजे घर आके बिल्कुल अनजान हो जाती है, जैसे कि उसे पता ही नहीं है कि रमशा कहाँ है। मोबाइल हो जाता है उसका बंद और कासिम और अफनान समझ जाते हैं कि रमशा किसी परेशानी में। अफनान चला जाता है शानी के घर और शानी से पूछता है कि तुम्हें पता है कि वो कहाँ है, कहीं तुमने तो उसके साथ कुछ गलत नहीं किया? तो वहीं पर शानी उल्टा उसका मजाक उड़ाता है, मतलब कि इतना बड़ा तुम्हारे साथ धोखा हो गया शानी, फिर भी तुम्हें अकल ना आई, तुम्हें शर्म ना आई, तुम्हें कोई पछतावा नहीं है, तुम अभी भी अपनी बीवी को ही बुरा कह रहे हो कि इसके तो और भी आशिक थे, मुझे तो पता ही नहीं था। खैर अफनान को उसकी ये बात बहुत नागवार गुजरती है और शानी की माँ भी उसे गुस्से से घूरती है, लेकिन यहाँ पर शानी की माँ यानी कि चाची जी और एनी रमशा के जाने के बाद उसको पलट कर एक मैसेज एक फ़ोन नहीं करा, मतलब एनी तो बड़ी उसकी सखी दोस्त बनती थी। बाकी रमशा में वो अक्कल कहाँ गई जब उसकी माँ की मौजूदगी में वो कहती थी कि ये घर मेरा है, ये कारोबार मेरे अब्बू का है, तो इतना लावारिस आपको क्यों होना था जब सब कुछ आपका अपना था और आपको दूसरों का सहारा लेना पड़ गया? जब आप अफनान की ज़िंदगी में जाने ही नहीं चाहती तो आपको ये करना चाहिए था कि आपको अपने हक के लिए बोलना चाहिए था। फिर से मैं वही बात कहूँगी, क्या दीन आपको बेवकूफ़ बना देता है? क्या दीन आपको इतना सब्र करना सिखाता है कि आप अपने हक के लिए ना बोलो? नहीं, ये आप क्या मैसेज दे रहे हो? खैर तो फिर हम देखेंगे कि अफनान जो है वो घर आकर अलीजे को बोलेगा कि मेरा दिल मेरे दिमाग, मेरा दिमाग मेरा दिल मेरे बस में नहीं है, लगता है अफनान की वजह से आज मेरे अल्फाज भी मेरे बस में नहीं है। खैर खैर आगे पढ़ते हैं हम। तो रमशा को एक कमरे में दिखाया गया होगा, अंधेरे वाले कमरे में एज़ यूजुअल, क्योंकि भाई किडनैप हुई है तो चांद की प्यारी सी रोशनी वहाँ आ रही है और रमशा साहिबा जो है वो वहाँ पर रो रही हैं, दरवाज़ा पीट रही हैं। तो भाई पुप्पो साहिबा, अगर आप चाल चल ही रही थी तो उसको डायरेक्ट ख़त्म करवा देती ना, पीछे सुराग क्यों छोड़ दिया? क्योंकि ड्रामे का एंड जो करवाना है, आपने अपने ही दामाद से शादी जो करवानी है रमशा साहिबा की। चलिए फिर देखते हैं कि अब ये रमशा कैसे सामने आती है और अब ये अपना मुंह खोलती भी है या अभी भी ये अपना मुंह बंद रखती है और अलीजे के बारे में सच नहीं बताती है। लेकिन अब जब अफनान को सब पता चलेगा तो अलीजे की गाल पे वो जो पुप्पो ख्वाब देख रही थी ना कि भाईजान ने मुझे चांटा मारा है चांटा, वो चांटा पड़ेगा अलीजे के गाल पे, और वो ऐसा पड़ेगा कि अलीजे पहुंच जाएगी सीधा पागलखाने। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। और आपको हमारा ये रिव्यू कैसा लगा, आपको फ़नी वे पसंद है या फिर सीरियस, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।